नमस्कार बाल मित्रों, तुरंत बाबी कक्षा के सभी छात्रों को मेरा डी एस दृष्टि का सादर नमस्कार। मैं आज हिंदी कक्षा के पाठ काव्य पद मीराबाई का कृष्ण भक्ति मैं आपको ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत किए जा रहा हूँ। जो मीराबाई अनन्य भक्ति से जुड़ी हुई है, जो मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ है और निधन उनका 1563 में हुआ है। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में रतन सिंह राठौड़ के परिवार में हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ। विवाह के कुछ साल पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान उनके ससुर के भी देहांत हो गए। मृत्यु के बाद अपने अधिकांश समय श्री कृष्ण भक्ति में साधु संतों के साथ सत्संग में बिताना शुरू किया। भौतिक जीवन के निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन से डेरा डाल दिया। पूरी तरह कृष्ण के भक्ति भाव से लीन हो गई। जीवन के उत्तरार्ध द्वारका में ही उनकी स्वर्गवास हुआ। यहाँ पर मीराबाई मेवाड़ जोधपुर ने अंदर कुड़की नामना गांव ने अंदर राव रतन सिंह राठौड़ ना त्या परिवार ने अंदर जन्म थयो हतो। 1498 ने अंदर इनो जन्म थयो हतो। 1563 ने अंदर एमनो मृत्यु थयो हतो। और राणा सांगाना ज्येष्ठ पुत्र भोजराज साथ एमना विवाह थया। युद्ध दौरान एमना ससुर पति आ बदाना मृत्यु पच्चे मीराबाई नु जीवन एक कपरी परिस्थिति नी अंदर मुकायु हतु। त्यार पच्चे ए भक्ति कृष्ण भक्ति नी अंदर लीन थई साधु संतोना सत्संग नी अंदर जती हती। अने मीरानी जे निराशा हती एमने घर त्याग करी दीधो। वृंदावन नी अंदर जई अने मीरा एनु जीवन व्यतीत पाछळनुं जीवन छे ए वीतावा लागी। भक्तिभाव से लीन होकर जीवन के उत्तरार्ध द्वारका में ही प्रसार किया। जो भक्ति लीन मीरा कृष्ण भक्ति से द्वारका के कृष्ण भक्ति के अंदर लीन होती है। उन मीरा के पद की पहली मीरा की भक्ति मूल माधुरी भाव है और मीरा के जे भाव छे ए माधुर्य એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે સુંદરતાનો ભાવ છે। ઉનકે પદોમાં કહી કહી દાસ્ય કી છાયા ભી પરિવર્તન હોતી હે। આપણે જોઈએ છીએ કે મીરાબાઈ દાસી તરીકેનો કૃષ્ણ સાથેનો પ્રેમ ભાવ વર્તે છે। મીરા કે દ્વારા ગાય ગયે વિરહ કે ગીત એ સ્ટોપેક છે। મીરા કૃષ્ણ ભક્તિ કૃષ્ણ સે હી પ્રેમ ભાવ માધુર્ય શૃંગાર આદિ કા વર્ણન કરતી હે। जो भारतीय साहित्य के अनमोल निधि है, यही भारतीय साहित्य के अनमोल निधि दी गई है। संपूर्ण भारत में प्रचलित है मीरा हिंदी साहित्य और गुजराती दोनों के कवियत्री है। मीराबाई हिंदी और गुजराती दोनों की बहुत सारी कहते हैं कि बहुत सारी रीते मीराबाई गुजराती हिंदी साहित्य के अंदर खूब मोटो प्रभाव पड़ेलो छे। उनके पदों की भाषा में राजस्थानी ब्रज गुजराती मिश्रण भाषा पाई जाती है। मीराबाई ने जो पद लिखेला छे ए गुजराती राजस्थानी आवा मिश्रण पदों ने अपने रचना जोवा मळे। संत रविदास उनके गुरु थे। संत रविदास मीरा के गुरु थे और उनके कुल 7 कृतियां ही लिखी हुई है, उपलब्ध है। मीरा की जो रचना है, मीराबाई ने जो रचना छे 7 कृतियों ने अंदर विभाजित करी छे। पहली है मीरा पदावली और
उनका चित्रण किया गया है। दर्शन को व्याकुल मीरा, इस पद के अंदर मीरा व्याकुल है। व्याकुल यानी जो हम कहते हैं कि किसी के दर्शन नहीं होते, कृष्णा के दर्शन नहीं होते, तो मीरा बाई का मन है अति व्यथा दुविधा भरा हुआ है, जो दुखी छे। व्याकुल दर्शन होने पर बहुत दुखी है। दूसरे पद के कृष्ण गोपियों तथा राधा के साथ व्रत की होली खेलने का अवसर का मीरा ने बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। बीजा पद ने अंदर मीराबाई गोपियों राधा आ बदानो होली खेल रमतानी साथे कृष्ण नु एक सुंदर वर्णन करेलु छे। चलो हम देखते हरि बिन कुछ न सुहावे परम स्नेही राम की नीति अलोरी आवे राम हमारे हुए राम के हरि बिन कुछ न सुहावे आवड़ कहवे अर्जुन आवे जीवड़ा अति उलझावे तुम दर्शन की आस रमैया कब हरि दर्शन दियावे चरण कवल की लगन लगी नित बिन सरसन दुख पावे मीरा को प्रभु दर्शन दियो आनंद वरन अजावे हरि बिन कुछ न सुहावे। एक पहले पद के अंदर मीराबाई कहना चाहती है कि मैं इस संसार में कृष्ण के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज संसार के अंदर, इस जगत के अंदर मने कहीं कृष्ण ना दर्शन सिवाय सारो लागतो नहीं। परम स्नेही राम की नीति अलोरी आवे। परम એટલે કે પુણ્ય જે આમ છે એની જે નીતિ છે એની જે મને એમની જે રાજ રચેલું છે તે એની માફી કાવે છે એનું જે રામનું જે વર્તન છે મને ખૂબ જ ગમે છે। રામ હમારે હૈ રામ કે હૈ હરિ બિન કુછ ન સુહાવે। રામ મારા છે, હું રામનું છું, રામના દર્શન સિવાય કૃષ્ણના દર્શન સિવાય મને કંઈ પણ ગમતું નથી। આવણ કહત ગયે અર્જુન આવે, મને કહીને ગયા હતા હું આવું છું પરંતુ હજુ આવ્યા નથી। જીવડ અતિ કુલાવે, મારો જીવ છે, મારું મન છે અતિ વ્યથિત, મેરા જીવ હૈ, મેરા મન હૈ કૃષ્ણ ના આને પર અભી ભી વ્યથિત હૈ, હું દુઃખી છું, કૃષ્ણ નથી મને દર્શન આપતા એટલે હું એમના વિયોગની અંદર તડપી રહી છું। તુમ દર્શન કી આસ રમૈયા, સિદ્ધ હે કૃષ્ણ તારા દર્શનની મને આશ છે, હે રમૈયા હે રામ કબ હરિ દર્શન દિયો। હે હરિ, તમારા દર્શનની મારા મનની અંદર ખૂબ જ आज से अब कब दर्शन देते हैं, कब आओगे, आवण कहत गए थे अभी तक आए हुए नहीं है। चरण कवल की लगनी लगी है, अपना जो चरण छे कमल रूपी छे इने मने चरण नी धूल जे धूल छे ए मस्तक पर मारे लगावी छे अने बिन दर्शन दुखी हूँ, तुम्हारा दर्शन सिवाय अति व्याकुल छू, दुखी छू, मैं आपके दर्शन बगैर व्यथित हूँ, दुखी हूँ, मेरा मन कहीं भी लगता नहीं है। मीरा को प्रभु दर्शन दियो, मीरा कहे छे हे प्रभु मने दर्शन आपो, मने दर्शन तमे आपो, आनंद मन बरम्यू न जाए, मने दर्शन आप्या प्रभुए अने एनो आनंद छे, हूँ कोई ने कही सकती नथी। हे हरि बिन कुछ न सुहाना, हे ईश्वर तमारा सिवाय मने कहीं सारो लगतो नथी। बीजो टॉपिक चालू करूँ।